डी ये स्टूडेंट्स नो वी विल डिस्कस द केस स्टडी नंबर फाइव व्हिच इज़ रिलेटेड टू दर्गेनाइजेशी आई इज द नेम ऑफ आर्गेनाइजेशन और ये जो आपको फोर सर्कल नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली उसका ब्रांड नेम के हवाले से लोगो है लोगो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स को बाकी प्रोडक्ट्स से डिफ्रेंशिएट करता है और बेसिकली आर इज़ द ब्रांड नेम ब्रांड नेम डी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एनी नेम साइन सिंबल टर्म विच डिफ्रेंशियट योर प्रोडक्ट फ्रॉम कम्पेडर इसको हम लोग ब्रांड नेम बोलते हैं यहाँ पे डी ए जी अकार मैनुफेक्चर कंपनी है जो बेसिक फोकस कार पे कर रही है इम्प्लाइज सेवेंटी थ्री थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली इम्प्लॉयज सेवेंटी थ्री थाउजेंड डी स्टूडेंट्स इसके इम्प्लॉयज़ हैं बोथ विद वाइट कॉलर जॉब एंड ब्लू कॉलर जॉब वाइट कॉलर जॉब मीन वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब होल्डर कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब जो उनके वर्कर हैं जो टेक्निकल काम करते हैं जो कि मकैनिक्स नेचर के, के हैं या जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल काम को डील कर रहे हैं जो फिजिकली काम कर रहे हैं वो आपके ब्लू कॉलर वर्कर हैं और अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाए तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ सेवेंटी थ्री थाउजेंड इन रिस्पांस टू डेमोग्राफिक एथिक्स एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ये सारी चीजें डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो ऑडी ऑर्गेइजेशन के जो इंप्लाइज हैं उनके डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हुए हम ये देखना चाहते हैं इन टू थाउजेंड फाइव में क्या होता है ऑडी ए जी एस्टैब्लिश अ डिजीज एंड इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर वर्क फोर्स ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जिस चीज़ को डील कर रही है वो ये है कि हम चाहते हैं कि अगर इम्प्लाई को कल को इंजरी हो जाए वो तो बाद की बात है डिजीज़ हो जाए बाद की बात है लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से क्या मैय ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो चीज़ जो कल को होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में अगर आज ही हम उससे बचना चाहते हैं तो कौन से प्रिवेंटिव मेजर हमें लेने चाहिए इसका प्रोग्राम ऑडिया ऑर्गेनाइजेशन ने टू में शुरू किया और उसमें देखते हैं कि कैसे प्रोग्रेस हुई द प्रोग्राम एंट्रेल्स वोन्ट्री मेडिकल चेकअप्स फॉर आल इम्प्लॉइज़ इस प्रोग्राम का बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें तमाम इम्प्लॉइज ऑफ द आर्गनाइजेशन पार्टिसिपेट करें और वो तमाम इम्प्लॉइज़ ऑफ़ द दर्गनाइजेशन वलेंटरी पार्टिसिपेट करें यानी उन पर सख्ती नहीं है ज़बरदस्ती नहीं है कि सारे पार्टिसिपेट करें बल्कि वलन्टेरली उन्हें कहा कि सारे इम्प्लॉज़ इस सर्वे में पार्टिसिपेट करें वो सर्वे क्या है एवरी फाइव ईयर फर्स्ट हाफ यंगर दैन फोर्टी फाइव ईयर्स एंड एवरी थ्री ईयर फर्स्ट हाफ़ ओल्डर दैन फोर्टी फाइव ईयर जो इम्प्लाई पैंतालीस साल से कम है वो पाँच साल के बाद और जो इम्प्लाई पैंतालीस साल से ज़्यादा है वह तीन साल के बाद क्या करेंगे अपना वलन्टेरली चेकअप कराएंगे कंप्लीट चेकअप कराएंगे ताकि अल्ला करे उन्हें किसी किस्म की कि अगर कोई डिजीज़ है तो स्टार्ट में ही प्रिवेंट की जा सके कंट्रोल की जा सके मोनिटर की जा सके रिकवर की जा सके उसको डिजीज के हवाले से मेडिसिन प्रस्क्राइब की जा सके और वो प्रॉब्लम को स्टार्ट में ही उसको ख़त्म किया जा सके बुनियादी मकसद इसका ये था दीज चेकअप्स आर डेजिग्नेटेड एंड कि स्टार्ट में ही अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके younger employees आर इंक्लूडेड as पार्ट ऑफ एन early इंटरवेंशन सिस्टम टू reduce क्रोनिक disease इन ओल्डर employees स्टार्ट में अगर कोई डिजीज़ है तो वो डेफिनेटली उसको एक्यूट डिजीज है अगर वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर जाती है वो क्रोनिक के में चली जाती है अब यहाँ क्वेश्चन है वो ये है कि डिजीज़ चाहे यंगर एम्प्लाई में है या ओल्डर एम्प्लॉय में है उसको अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट करना ये इंपॉर्टेंट मिशन था इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का द प्रोग्राम कंटिन्यूज टू फॉर्म पार्ट ऑफ आर डी एच आर स्ट्रटजी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यह प्रोग्राम स्टार्ट होकर टू थाउजेंड फाइव में ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये टू थाउजेंड ट्वेंटी तक चल रहा था और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रैटी थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्केल नॉन स्केल एम्प्लॉय की मैनेजमेंट है ताकि वो इंप्लॉज़ अपने काम को अफेक्टिवली और एफिशेंटली परफॉर्म कर सकें ये बुनियादी मकसद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये स्ट्रैटी थी कि अपने इम्प्लाईज को इस तरह लेके कर चले ताकि उनकी हेल्थ के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके और स्टार्ट में ही डिटेक्ट करके उसको सॉल्व किया जा सके और ऑफर्स अ मेडिकल चेकअप टू ऑल इम्प्लाईज एवरी फाइव ईयर्स मैं आपको बता चुका हूँ डी स्टूडेंट्स कि अगर कोई इम्प्लाई पैंतालीस साल से कम है तो वो हर पाँच साल के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराएगा अगर कोई इम्प्लाई पैंतालीस साल से ऊपर है तो हर तीन साल के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराएगा द फ्रीकवेंसी इंक्रीजिज टू एवरी थ्री ईयर फॉर इम्प्लाइज हुई फाइव ईयर एंड ओल्डर दिस सेवेंटी फाइव मिनट्स चेकअप इंक्लूड्स ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट मीन सी बी सी कम्प्लीट ब्लड कल्चर टेस्ट है जिसमें अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो उसका पता चल जाएगा या और भी इसके अलावा किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ब्लड के अंदर डिटेक्ट होती है तो कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको पता चल जाएगा एंड इलेक्ट्रोग्राफिक डाग्राम बायोमेट्री टिश्यू एनालिसिस लंग टेस्ट एंड आई टेस्ट आ हीरिंग टेस्ट एंड एस एफ ट्वेल्व हेल्थ सर्वे अब ये जो पाँच छः चीज़ें डी स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं अगर मेरा ख़्याल है कि ये तमाम चीज़ें इम्प्लाइज की करवा ली जाए तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस वक्त जो एम्प्लॉय की बॉडी है मुकम्मल उसकी जो फिजीक है उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही ये बेसिकली कम्प्लीट ब्लड टेस्ट जिसमें सी टी स्कैन भी आ सकता है एक्सरे भी आ सकते हैं और इसके अलावा ये आपकी जो टिश्यूज़ के हवाले से है ब्लड टेस्ट के हवाले से है या लंग्स के हवाले से है पिपड़ों के हवाले से है बॉडी के अंदर स्टोमिक के हवाले से है तो आपको सर के पाँव से लेके पाँव के नाखन तक आइडिया हो जाता है कि ये जो इम्प्लॉई है इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या इसकी कोई डिजीज़ है वो किस तरह मूव कर रही है वेदर इसमें कोई डिजीज़ है भी कि नहीं या कि मुकम्मल मेडिकली फ़िट है ये टेस्ट आपको रहनमाई देंगे कि उस इम्प्लॉ को आइडेंटिफाई किया जा सके और डिक्लेयर किया जा सके वेदर हीटली मेडिकली फिट आर नाट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बोथ एग्रीगेट एन इंडिविजुअल डेटा आर एवेलुएटेड इन सब टेस्ट का अलीहदा से डेटा कंपाल किए जाके चेक किया जाता है और हर इम्प्लाई का टेस्ट अलहदा से चेक किया जाता है ताकि आपको मालूम हो जाए और फिर सारे इंप्लाई का डेटा एक जगह एग्रीगेट किया जाता है कि कितने इंप्लाई के अंदर जब इनिशियल स्क्रीनिंग की तो प्रॉब्लम पैदा हुई ऐसा तो नहीं है कि आपकी इम्प्लाईज बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इंप्लाई में किसी किस्म की अर्ली स्टेज पे कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है अगर आप उसको टैकल कर लेते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ़ नेसेसरी अगर लाजमी हो इंडिविजुअल हु आर टू बी एट हायर हेल्थ रिस्क आर एडवाइज पार्ट इन दारगेटेड प्रोग्राम मेनली प्रोवाइडेड बाई ऑडी हेल्थ इंश्योरेंस ऑडी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी काम कर रही है अल्लाह ना करे अगर इंप्लाई किसी सीरियस डिजीज में शामिल हो जाता है तो उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर हैं कानूनी वरअसा हैं उनको कैसे पीछे से सेफ किया जा सकता है तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर इम्प्लाई को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना है तो उस प्रोग्राम की मदद से फिर उस एम्प्लॉ की ट्रीटमेंट भी करवाई जाती है सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको छोड़ दिया जाता है मुकम्मल इम्प्लई के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को टैकल किया जाता है दिस में इंक्लूड्स आटोजेनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू क्विट स्मोकिंग एंड हेल्थ प्रमोशन वीक्स ड्यूरिंग विच एम्प्लॉज आर एन करेज टू ईट हेल्दी एंड मोर फिजिकल एक्टिव अब इसमें दो तीन बातें जो ये स्टूडेंट्स मैंने अभी बोली हैं एक वीक मनाया जाता है जिसमें इम्प्लाई के अंदर ये चीज़ पैदा की जाती है कि आप स्मोकिंग से कैसे छुट छुटकारा हासिल कर सकते हैं या इम्प्लॉ को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हेल्दी फूड खाया करें एक वीक हेल्दी फूड खाने की उनमें ट्रेनिंग दी जाती है जब आप उनको हेल्दी फूड देंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे एम्प्लाई चांसेस हैं कि एम्प्लॉज रियल लाइफ में भी हेल्दी फूड ही लेंगे और जंक फूड से अवॉइड करेंगे देन आरडी एम टू अचीव आ पार्टिस एटी परसेंट ऑफ वर्कर्स आरडी ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल है कि हमारे अस्सी फीसद लोग अगर इस सर्वे में पार्टिसिपेट करें जिसको स्पेसिफिकली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के हवाले से डिजाइन किया गया है तो वो कहते हैं कि ये हमारी सक्सेस है हंड्रेड परसेंट इसलिए कम चांसेस हैं कि ये बुलं है कम्पल्सरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर ये कंपल्सरी होता तो आप हंड्रेड परसेंट टारगेट अचीव कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग बाय चॉइस अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराना चाहते अगर बाई चॉइस वो अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराना चाहते तो आप बाई फोर्स उनका मेडिकल चेकअप कंप्लीट नहीं ले सकते दिस एनेबल टू इंक्लूड्स हाई रिस्क इंप्लाईज एंड्रेजेंटेटिव एपिडामोलॉजिकल डेटा एम्प्लॉय का मुकम्मल डेटा लेना डेटा स्टोर करना डेटा बेस में रखना फिर उसे मैनेज करना फिर उस बेस पर डिसीजन करना फिर फाइंडिंग प्रजेंट करना फिर पॉलिसी फार्मूलेट करना ये इस ऑर्गेनाइजेशन के आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन आल वर्कर्स आर इन्फॉर्मड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मेडिकल चेक्स बट गिवन द वॉलंटरी नेचर 100% कवरेज कोड नॉट बी ग्रांटेड कि 100% ये लोग नहीं हो सकते हम एक दो वीक पहले उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि फ़लाँ डेट को इस आर्गनाइजेशन ऑडी के अंदर तमाम इम्प्लॉज़ का चेकअप है जो कि प्रॉपर एक बैजेज़ की शक्ल में है कि बीस इंप्लाइज़ का पहले हो जाएगा बीस का फिर तीस का फिर इस तरह तो ये एक्टिविटीज़ पूरा साल टू थाउजेंड फाइव से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी तक चल रही है और इसका बुनियादी मकसद यही है कि आर्गनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन रखा जा सके और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और काफ़ी हद हाँ तक ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर दे और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली परफॉर्म कर दे